जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू एंड स्माइल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजे सोम्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई इस कॉलेज के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस कॉलेज का जो कैंपस है आपके सामने बहुत ही बड़ा कैंपस दिख रहा है और साथ ही साथ ये बहुत ही ग्रीनरी कैंपस है और ये आपके लिए बहुत ही खुश नसीब की बात है। मतलब दोस्तों आपको ऐसा कैंपस बहुत ही कम जगह कम ही कॉलेज में मिलने वाला है। यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और यहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वो सबसे बेस्ट फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहने वाला है या नहीं रहने वाला है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि हमने इस कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करना है। तो चलिए जानते हैं केजे सोम्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई इस कॉलेज के बारे में। तो आपको जैसी आप एंट्रेंस जाएंगे इस कॉलेज में तो आपके सामने कुछ इस तरह का एंट्रेंस देखने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे केजे सोम्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ये कॉलेज का एंट्रेंस है। तो ये आपका कॉलेज है। तो इस कॉलेज की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1983 में हुई थी। मतलब ये कॉलेज आपका बहुत ही पुराना कॉलेज है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों आप जितने ज्यादा पुराने कॉलेज में एडमिशन लोगे उतने लिए आप उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा वो कॉलेज। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे वेल एक्सपीरियंस वाले टीचर्स रहते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती है, ऑलरेडी प्लेसमेंट होती है बच्चों की, इसलिए उस कॉलेज का जो क्रेडिट रहता है वो बहुत ही बड़ा क्रेडिट रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप कॉलेजेस को चूज करते हैं तो आपको उस कॉलेज को देखना है कि वो कितना पुराना कॉलेज है। क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस अपने महाराष्ट्र में अपने इंडिया में हुए हैं बट दोस्तों कुछ ही कॉलेज ऐसे हैं जो आपको अच्छी खासी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करती है। तो इसलिए आपको जितना ज्यादा पुराना कॉलेज उतना ज्यादा आपके लिए वो कॉलेज अच्छा रहता है। तो चलिए जानते हैं इस कॉलेज का जो लोकेशन है वो मुंबई में है जो कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया है क्योंकि महाराष्ट्र में है और ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। जैसे कि बात करते हैं एरिया का तो इस कॉलेज का जो एरिया है वो 65 एकर्स में फैला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये कॉलेज का जो एरिया है वो 65 एकर्स में फैला हुआ है दोस्तों। तो इसलिए आपको ये बहुत ही बड़ा कैंपस मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे आप इजीली आपका जो भी खेल कूद का जो नियोजन है, जो भी आपका जो ड्रीम है वो आप यहाँ पे इजीली सक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे इजीली अचीव कर सकते हो। तो जैसे कि चलिए जानते हैं आगे के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा आपका मुंबई मैप और अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करने वाला हूँ आपके जो सीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग, साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिटेल कॉलेजेस के रिव्यू आने वाले हैं। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए जानते हैं आगे के बारे में। जैसे कि बात करते हैं एडमिशन की तो इस कॉलेज में एडमिशंस लेने के लिए आपको एमएसटीसीटी 2023 एग्जाम को, साथ ही साथ जेईई मेंस 2023 अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 दोनों ही अटेम्प्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो आप सेकंड प्रेफरेंस के थ्रू आप जेईई मेंस के थ्रू आप एडमिशंस ले सकते हो। तो इसलिए आपको दोनों ही अटेम्प्ट कंपलसरी तो नहीं है बट अगर आपने दिए हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको एमएसटीसीटी 2023 एग्जाम में अच्छा परसेंटाइल आया है तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज मिलता है। तो आपको कौन सी रैंक आनी चाहिए आपके एमएसटीसीटी 2023 में एग्जाम में, तो जो उसकी क्लोजिंग रैंक है वो आपको लास्ट में पता चलने वाली है, इसलिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल की काउंसलिंग होती है और दोस्तों जो इस कॉलेज की जो एनआरएफ रैंकिंग है, मतलब दोस्तों इंजीनियरिंग में जो एनआरएफ रैंकिंग है इस कॉलेज की वो बहुत ही बढ़िया है। 171 इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग में इसकी एनआरएफ रैंकिंग है जो कि दोस्तों बहुत ही बेस्ट इंजीनियरिंग की में रैंक है। बात करें दोस्तों प्लेसमेंट की तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो कितना प्लेसमेंट जाता है। अगर बात करें हाईएस्ट पैकेज की तो 40 लाख पर एनम, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का रिव्यू है तो इसलिए इस साल भी उतना ही जाएगा लगभग। तो दोस्तों एवरेज पैकेज मिलता है इस कॉलेज में आपको, मतलब आप मान लो 6 लाख पर एनम यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज मिलता है। बात करें ट्यूशन फीस की तो इस कॉलेज में ट्यूशन फी 2.8 लाख है क्योंकि ये माइनॉरिटी का कॉलेज है, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे 2.8 लाख पर एनम आपका जो ट्यूशन फी वो आपको पे करना पड़ता है। सीट मैट्रिक्स की में कोई दिक्कत नहीं, आपको महाराष्ट्र से हो या अदर स्टेट से हो आपको सीट मैट्रिक्स प्रॉपर मिलती है, यहाँ पे प्रॉपर कॉलेज अलॉट होता है तो सीट मैट्रिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आती है इस कॉलेज में।
ये रहा आपका इस कॉलेज की ब्रांच, साथ ही साथ इस कॉलेज का जो पिछले साल का क्लोजिंग रैंक था वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि इस कॉलेज में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कुछ इस तरह की ब्रांच आपको इस कॉलेज में देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ इस कॉलेज में आपको कितना क्लोजिंग रैंक गया था पिछले साल का वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है रिगार्डिंग आपका एमएचसी सीटी एग्जाम के थ्रू हो या आपके कॉलेज के रिव्यू में हो या आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है आपके जो फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।